देखिए, ये जो आदेश जारी किया गया है कि ऑफिस में जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो फॉर्मल अटायर में आए या फॉर्मल ड्रेस में आए, इसके पीछे बस एक ही वजह है कि जब हमने ऑफिस का दौरा किया था तो हमने कुछ कर्मचारियों को यहाँ पर चप्पल में घूमते हुए देखा था, कुछ लोगों ने कानों में ईयरफोन लगा रखा था, हेडफोन लगा रखा था, और कुछ लोग ऐसी फटी हुई सी जीन्स पहनकर आए थे, तो जो जिस तरीके का आजकल फैशन चल रहा है वैसे पहनकर आए थे, क्योंकि ऑफिस में शोभा नहीं देता। तो इसलिए ये आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारी डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में रहें और प्रॉपर ड्रेस कोड में आए, ताकि एटलीस्ट ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि यहाँ पर आम जनता में कौन है और यहाँ पर अधिकारी या कर्मचारी कौन है। वो प्रॉपर ड्रेस में होंगे तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट होगा और उनका जनता के साथ भी व्यवहार अच्छा हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहाँ ऐसे कोई आदेश नहीं जारी किए थे क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला था, कभी ही कोई कर्मचारी जीन्स में मिलता था तो वो भी प्रॉपरली ड्रेस्ड होते थे, लेकिन जीन्स में भी कभी मिलते थे तो एक दो बार उन्हें टोका गया था तो वो ठीक हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन मुझे नहीं दिखा था तो ये आदेश जारी करने पड़े। अभी मैंने चार्ज यहाँ पर ट्यूसडे में ही संभाला है, 2-3 दिन पहले ही, तो जो समस्याएं मेरे संज्ञान में आई हैं जैसे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर समस्या या पानी भरने को लेकर समस्या, इन समस्याओं पे काम किया जाएगा और जो भी यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं और जो पार्षद हैं उन सबके साथ मिलकर के इन समस्याओं का समाधान निकाल के हम हिसार में ये सुनिश्चित करेंगे किसी भी आमजन को नगर निगम की तरफ से किसी भी तरीके की समस्या ना। सफाई व्यवस्था को लेकर भी आज एक मीटिंग की गई थी, उसमें भी जो आदेश दिए गए हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट्स है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है उनकी नियमित सफाई हो, और जो हमारा लिगेसी वेस्ट है उसकी सफाई प्रॉपर तरीके से हो, उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं और ऐसी मेरी आशा है कि आने वाले समय में सफाई व्यवस्था आपको अच्छी दिखाई देगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अभी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक नई एजेंसी ली गई है जिनका कल ही उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डोर टू डोर कलेक्शन तो काफ़ी अच्छे से होगा, बाकी जो लिगेसी वेस्ट का मैनेजमेंट है उसके लिए भी हम प्लांट में उसका नियमित रूप से दौरा करेंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि इसका मैनेजमेंट अच्छे से हो। वो जगह भी आइडेंटिफाई की गई है जैसा कि मुझे बताया गया है ये, लेकिन अभी मैंने उसको प्रॉपरली अभी जाके देखा नहीं है क्योंकि कार्यभार मैंने अभी 2 दिन पहले ही संभाला है, तो उसको मैं देख कर ये सुनिश्चित करूँगी कि इसका अच्छे से समाधान हम निकाल पाऊँ। ये जैसा आपने बताई है तो अब ये मेरे संज्ञान में आई है समस्या। अब एनिमल हस्बेंड्री के साथ देखिए, नगर निगम का काम होता है कि जो भी आवारा पशु है उनको पकड़ना, उनको रिहेबिलिटेट करवाने का काम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का होता है, तो उनके साथ एक मीटिंग करके हम इसमें कोई संयुक्त कमेटी बना करके और इसका समाधान निकालेंगे। उसमें भी चेक करवाएंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है और कितना हम उसमें शिफ्ट कर सकते हैं, या अगर हमें कहीं और जगह लेकर दोबारा ही कोई गौशाला बनवानी पड़े तो उसका उस पर भी विचार किया जाएगा। मेन हाईवे पे डेवलपमेंट देखी जाती है, अमूमन देखा जा रहा था रोड अंदर की जो गलियां हैं, ड्रेनिंग की समस्या आज भी बहुत, निकासी नहीं है ना, क्या समस्या है उसमें? निकासी नहीं है, पानी जो है ड्रेन नहीं हो पा रहा है। ये भी जब मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ये समस्या आई थी, तो इसमें एक्चुअली इशू ये है कि ये एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की समस्या है, क्योंकि पानी की निकासी के कुछ एरियाज पब्लिक हेल्थ के अंडर भी आते हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की ड्रेन्स भी हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी इससे संबंधित है उन सबके साथ मीटिंग की जाएगी और इस भी समस्या इस समस्या का जो पानी की निकासी की समस्या है इसका समाधान निकाला मैम, विशेष तौर पर जो नई गलोनियाँ बनी हैं उनमें मतलब पानी कनेक्शन से और कनेक्शन के लिए गली खोद दी जाती है और फिर दोबारा उसको कोई सेट नहीं करता, तो नई गली गली जो बनी हुई है उसमें भी बड़े बड़े खड्डे हो गए, निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती उखाड़ने में, उसको दोबारा करने में। जो भी नई कॉलोनियाँ बनेंगी उनका जो मास्टर प्लान तैयार होगा वहाँ पर विकास का जो बना हुआ है, जो बना हुआ है वो भी चेक करवाया जाएगा, अगर जो ड्रेन्स हैं उनको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत है तो करवाया जाएगा, अगर सिर्फ उनकी सफाई की ज़रूरत है तो सफाई करवाई जाएगी। कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात की, कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से जो विकास कार्य होते हैं सरकार के वो सिरे चढ़ते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है मेंटेनेंस से भी, बिजली एंट्री को क्या कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की पहल करेंगे मल्टी डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए? बिल्कुल,
बहुत अच्छा सुझाव भी दिया है आपने, हम भी इसी बात पे विचार कर रहे थे, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसमें अदर किसी डिपार्टमेंट की सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी ताकि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमें समन्वय स्थापित करना है वो हम इंश्योर कर पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।